और गाइस आप लोग 20,000 के अंदर एक लेटेस्ट बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करने देते हो, जिसके अंदर टॉप नॉइज लेवल का कैमरा, पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस, टॉप डिस्प्ले के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिले, तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस 2024 में जितना भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उनमें से टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जो आप लोग 20,000 के अंदर परचेस कर पाओगी। और दोस्तों ये सारे स्मार्टफोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा ओएस के साथ और सोनी का सेंसर दिया गया है जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी टॉप नॉइज लेवल का देखने को मिल जाएगा और पावरफुल लेवल का चिपसेट दिया गया है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 5,50,000 से लेके 7 लाख का ऊपर निकल गया आता है। परफॉर्मेंस आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलेगा और कप डिस्प्ले के साथ साथ टॉप नॉइज लेवल का डिजाइन, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप नॉइज लेवल का दिया गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का रिलेटिव या दोस्त 20,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना। और हमारा लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है लाभाब्लेस कार 5G। 20,000 के अंदर इंडियन बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट कार्व डिस्प्ले के साथ आने वाला टॉप नॉइज लेवल का स्मार्टफोन जो है तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 800 nitpick brightness, HDR10+ का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 nanometer आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 5,80,000 के ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है। 8 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात की तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 2 megapixel मैक्रो और 32 megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में TDO स्पीकर ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB अभी के टाइम पे 18,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है पोको X6। 20,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली पोको X6 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 nitpick brightness मिल जाता है, Dolby Vision का सपोर्ट, HDR10+ का सपोर्ट, 12-bit कलर डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो क्वालकॉम की तरफ से Snapdragon 7S Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है। 10 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 2 megapixel मैक्रो और 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5100mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को, 0-100% चार्ज 44 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट, IP54 का वाटर एंड रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 256GB का वेरिएशन 21,999 rupees में मिल जाएगा। डिस्काउंट लगा के 20,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 3 पे आता है Realme 12 Plus। 20,000 के अंदर Realme की तरफ से एक टॉप नॉइज लेवल का कैमरे के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme 12 Plus की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1200 nitpick brightness मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है। 6 nanometer आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा, 2 megapixel मैक्रो और 16 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से LYT600 सेंसर मिल जाता है OIS के साथ। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन में। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को, 0-50% चार्ज 19 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5 पे बेस्ड होगा। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा।
स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डाइजेशन रेटिंग देखने को मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर के साथ। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 20,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है IQ Z9 5G और Vivo T3। ये दोनों स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। 20,000 के अंदर पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा कैमरा चाहिए तो आप लोग ये दोनों स्मार्टफोन में से कोई से भी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 1800 nitpick brightness मिल जाता है। HDR 10% सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का 5G फीचर मिल जाता है जो फोन नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 7,30,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 8 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम EFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX882 सेंसर के साथ। 2MP का डेप्थ और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। फांटाज OS पे बेस्ट होगा। 2 साल के OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। 8GB रैम 128GB रैम 18,000 से लेकर 20,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Realme Narzo 70 Pro। 20,000 के अंदर Realme की तरफ से प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला टॉप नॉइज लेवल का कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस मिले तो आप लोग डेफिनेटली Realme Narzo 70 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 2000 nitpick brightness HDR 10+ सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX890 सेंसर और OIS के साथ। 8MP का अल्ट्रा है 2MP का मैक्रो और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। Realme UI 5.0 पे बेस्ड है। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। IP54 का वाटर एंड डाइजेशन रेटिंग देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन के पीछे ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB के टाइम पे 20,000 के अंदर मिल जाएगा।